नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी का पटाका में। जब टूट जाती है नागिन, बिखर जाती है नागिन, तब आते हैं उसके इष्ट देव भोलेनाथ और देते हैं उसे सबसे बड़ा वरदान। और इस बार तो प्रार्थना को वरदान के रूप में भगवान भोलेनाथ ने रघुवीर को शेषनाग ही बना दिया। क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको बताएंगे अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में इस रिपोर्ट में टीवी का पटाका की। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नागिन 6 में आने वाला है भूचाल, क्योंकि अब प्रार्थना जाएगी धरती का सीना फाड़कर शेषनाग के पास। तक्षक नाग ने बोल दिया है प्रार्थना को कि शेषनाग ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं, नीले नाग का सच बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में प्रार्थना जब जाएगी शेषनाग के पास, तो शेषनाग प्रार्थना को अतीत का सबसे बड़ा सच बताएंगे। जी हाँ, वो प्रार्थना से कहेंगे कि तेरा सुहाग ही तेरा रक्षक बनेगा। प्रार्थना के पास उसकी मणियाँ नहीं है और ऐसे में इस समय प्रार्थना कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद जब प्रार्थना तांडव करेगी शेषनाग के कहने पर, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ खुद आएंगे प्रार्थना के बुलाने पर और उसको ये वरदान देंगे कि तेरा सुहाग ही तेरा रक्षक बनेगा, यानी कि तेरा रघुवीर ही होगा सबसे बड़ा नाग। और ऐसे में भगवान भोलेनाथ शेषनाग का आशीर्वाद देंगे। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन को शक्तियाँ देने के लिए भगवान भोलेनाथ रक्षक के रूप में रघुवीर को भेजेंगे और रघुवीर को सारी की सारी शक्तियाँ शेषनाग की दे दी जाएंगी, क्योंकि रघुवीर का अतीत भी जुड़ा हुआ है प्रार्थना के साथ। एक नागिन का प्यार हमेशा नाग ही होता है और ऐसे में तक्षक नाग ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि प्रार्थना का प्यार, प्रार्थना का सुहाग वो होगा जो प्रार्थना के साथ कदम से कदम मिलाएगा। जी हाँ, यही होगा नागिन की किताब का आखिरी अध्याय, क्योंकि अब सामने आ चुका है शेषनाग का भी असली चेहरा। सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन को उसकी शक्तियां वापस लौटाने में शेषनाग रघुवीर सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है। जी हाँ, रघुवीर यानी कि शेषनाग और प्रार्थना यानी कि शेषनागिन दोनों मिलकर जब तांडव करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ आकर इन्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे जिसके जरिए ये महक शेषा और विशाखा को मात दे पाएंगे और जैन के बेटे को खत्म कर पाएंगे। वेल, क्या कुछ कहेंगे आप, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।